वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। मेरठ जागृति विहार निवासी युवक यश रस्तोगी की हत्या कर शव नाली में फेंक दिया गया। शनिवार की रात यश का शव बरामद भी कर लिया गया और हत्या के आरोप में शावेज सलमान व अली शान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस को बताया गया कि यश के तीनों व अन्य युवकों से अप्राकृतिक संबंध थे। उनकी स्नैप भी यश के पास थी जिन्हें दिखाकर वह ब्लैकमेल कर रहा था। इसी विवाद में तीनों दोस्तों ने मिलकर यश को ठिकाने लगा दिया। आज यश का सूरजकुंड पर अंतिम संस्कार कर दिया गया तो वहां माहौल बेहद उत्तेजक हो गया। भाव के पिता ने कहा कि यदि वे मोदी सरकार में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां जाएं। यहां इस हत्याकांड का सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश की गई। पूरा मामला गे चैनल पर केंद्रित बताया जा रहा है। यश और उसके दोस्तों ने ऑनलाइन समलैंगिक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें करीब 40 युवक जुड़े हैं। हत्या के बाद माहौल गर्म है। परिवार भाजपा जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। दरअसल जागृति विहार सेक्टर 6 में अनिल रस्तोगी का परिवार रहता है। उनकी दो बेटियां व बेटा यश है। 26 जून की शाम वह स्कूटी से कहीं गया था। वापस न लौटने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इंस्पेक्टर संत शरण सिंह व SOG प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया तो यश की लोकेशन फतेह उल्ला रोड स्थित एक कारखाने में मिली। यह कारखाना शावेज नामक युवक का था। पुलिस ने शावेज को उठाकर पूछताछ की तो पूरा मामला खुलता चला गया। पुलिस ने सलमान आलिशान नामक दो उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्लों ने मान लिया, राइट है बात आपकी, बहुत राइट बात है। ये अत्याचार चल रहा है, ये अत्याचार चल रहा है साला। ये मेरा ऐसी दुर्दू था गला घोट के और वो करके मारा। हाँ बताइए, मुझे चाहिए वो जिंदा मरवाया जिसका राज था और वो ना दूंगा मैं जिन्होंने मारा दूंगा। सर हम भेज दो योगी को भी, मुझे चिंता नहीं है। हाँ जब जब नाश हो गए तो नाश ही हो गए। बात खत्म। कह दो उससे योगी से तेरे राज में मेरे वायरल कर दो, फोटो पे कर दो, भेज दे। मेरा लोड नंबर रहा है, मेरा लोड नंबर रहा है। मुझे चाहिए मुसलमान तो मुझे यहाँ भी मारेंगे। मुझे चाहिए मेरा लौंडा चाहिए। अगर मैं इसके राज में भी सुरक्षित नहीं हुआ तो मार दूंगा साले में। इस बारे में SP सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। ये थाना मेडिकल क्षेत्र की घटना है। 27 तारीख को एक यश रस्तोगी नामक युवक जो लगभग 22-23 वर्ष थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। पुलिस ने तुरंत ही इसको घटना को जो है समुचित धाराओं में धारा 364 IPC में तरमीम कर दिया, इस गंभीरता को देखते हुए। और हमारी कई टीमें लगातार तब से इसी बात पर, इसी खोज में लगी हुई थी कि व्यक्ति कहाँ है। लगभग 250 से ऊपर CCTV
फुटेज देखी गई है, जिससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये अकेले ही गए थे, इनको कोई बुला के नहीं ले गया था। ये अपने स्कूटी पर स्वयं जाते हुए कई जगह दिखाई पड़े हैं। उसी के क्रम में एक जगह इनकी फुटेज आना फिर बंद हो गया, फिर वहाँ से आने की बात नहीं मिली। तो इनको सारी चीज़ों को जब चेक किया गया और क्रॉस चेक किया गया, लिंक किया गया, तो जानकारी में आया कि तीन युवक जो स्थानीय लिसाड़ी गेट के निवासी हैं और कोतवाली के, उनके द्वारा इनकी हत्या करके इनके शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, इनकी निशानदेही पे शव की बरामदगी हुई है, विवेचना चल रही है। देखिए, गे चैनल वाली बात जो आपने कहा, गे ऐप की, हाँ ये आपकी जानकारी सही है, इस प्रकार के कुछ साक्ष्य आ रहे हैं। लेकिन इसके बारे में भी हमारी जो साइबर क्राइम की टीम्स हैं, हमारी जो साइबर सर्विलेंस वाली टीम है, वो इसका परीक्षण कर रही है। इस तरह की तमाम साइट्स में जहाँ पर इनकी आईडी थी, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे साक्ष्य स्पष्ट होंगे, उसी के क्रम में कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हत्या इसमें इन जिन तीन लोगों ने करी थी, इन तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और शव को उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। साक्ष्य के क्रम में आगे कार्रवाई की जा रही है। जो इन अभियुक्तों के द्वारा बताया गया, वो तो यही बताया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी जानकारी करी गई है, मृत्यु का कारण उन्होंने स्पष्ट होना नहीं पाया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरा की जाँच के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।